सीधा रुख करेंगे शुरू के तारानगर का, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में, तो महंगाई राहत हम कैंप लोग का अवलोकन नौकरी के लिए करेंगे। राजस्थान में 7 लाख नौकरी लग चुकी है, उसके आसपास ही नौकरियों प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू हो रहे हैं। 1 लाख मैंने और घोषणा कर रखी है। प्राइवेट सेक्टर में हम लोग कोशिश कर रहे हैं नौकरी मिले। इस प्रकार से मेरा मानना है कि हमने कोई कमी नहीं रखी है, कोई कमी नहीं रखी है। महंगाई की बात थी उनके अभियान में, बेरोजगारी की बात थी, सब हिंदुस्तानी लोग भाई भाई की तरह रहे, हिंसा नहीं हो देश के अंदर, वो बात थी। और अमीर गरीबी खाई नहीं बढ़े, ये आर्थिक नीतियों की बात है देश की, जिसके तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित किया प्रधानमंत्री मोदी जी का। देश में अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब रह रहा है, ऊपर नहीं बढ़ पा रहा, धीरे धीरे ऊपर बढ़ पा रहा है। नीति बदलो आप, जिससे कि गरीब अमीर की खाई कम हो। अब बता दीजिए इसमें क्या गलत है। इस प्रकार से आप सोच सकते हो कि हम लोगों ने हर चीज का ध्यान रखा। कृषि बीमा मैंने अभी बुढ़ाने साहब कह रहे थे 1,000 करोड़ रुपए मिल गया आपको 4 साल के अंदर, खाली तारनगर के अंदर मिल गया। और मुझे याद है कि एक बार तारनगर का विवाद पैदा हो गया था इंश्योरेंस का, कृषि बीमा का, तब भी मैंने खुद ने पंचायती करके आपको दोनों बीमा की रकम दिलाई थी। याद करो आप लोग तारनगर के अंदर इतना ध्यान हम लोग रखते हैं, किसानों का भी और सब लोगों का भी। अब बीजेपी वाले जो भाषा काम लेने लग गए हैं वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्नाटक में लगता है कि बीजेपी बुरी तरह हारी चुनाव। ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी 8 से 10 दिन तक वहीं रहेंगे, जैसे कोई काम है ही नहीं दिल्ली के अंदर। अरे प्राइम मिनिस्टर की बड़ी पोस्ट होती है, देश विदेश के मामले होते हैं, पूरे देश के समस्याएं होती हैं राज्यों की। हर चुनाव में मोदी जी और अमित शाह जी, जैसे कोई चुनाव जीतने का धर्म बन गया है, काम करने को धर्म नहीं लगता है, वहां बार बार आते हैं। लगता है कर्नाटका में जो जनता ने फैसला किया है इनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो रही, लगता मुझे बुखलाए बोल रहे हैं आप, बुखलाए बोल रहे हैं। कोई तो मुझे राजस्थान के नेता बता रहे हैं मैं रावण हूं, और बता दें मैं रावण हूं या आपका प्रथम सेवक हूं, ये फैसला आपको करना है। जिस सरकार से वो शेखावत मंत्री बोले हैं, जिसने 2-2.5 लाख लोगों को लूट लिया है, उनके दोस्तों ने, उनकी टीम ने, कंपनी मना मना करके ब्याज का लालच दे करके 2-2.5 लाख लोग किसे करते हैं। मेरे पास 3 बार ग्रुप आए थे, आंखों मांसों आए थे, ऐसी स्थिति उनकी बन गई। बूढ़े बूढ़े लोग आए थे, 25 लाख, 5 लाख, 50 लाख डूब गए उनके, और जेल में बैठे उनके लोग सब। उनकी चिंता उनको नहीं है, केंद्रीय मंत्री को, उनको पैसे वापस कैसे दिलाए। अगर तुम केंद्रीय मंत्री, बहुत बड़ा पद होता है, उस पद पर तुम बैठे हुए हो, ऐसे ऐसे आदमी को जिसको आप बता दीजिए वो खुद मुंडी बन गया है SOG के अंदर, जांच के अंदर मेरे खिलाफ केस कर दिया, वहां दिल्ली के अंदर डिफेमेशन केस कर दिया। मैंने स्वागत किया उसका, अच्छा किया, मैंने कहा तुमने मेरे खिलाफ केस किया, उसी माने सरकार का ध्यान जाएगा और जुडिशरी का ध्यान जाएगा उन गरीबों की तरफ जिनके पैसे डूब गए हैं। इसको तुम केस को बनाए रखो, मुझे खुशी होगी। आज कहा है कि मुझे अशोक गहलोत को जो रावण रूपी है, पता नहीं क्या बोले हैं, उनको हमें खत्म करना है। मैं उनको भी स्वागत करता हूं, भाई हम तो रावण हैं, आप कम से कम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह बिहेवियर तो करो, गरीब जनता का पैसे दिला दो, हम मान जाएंगे भाई राम के फॉलोअर आप है, हम तो रावण की तरह ही हैं। आप बता दीजिए ये बोखलाहट नहीं है क्या बीजेपी की? सोनिया गांधी के बारे में वहां कर्नाटक में कही तो चाइना की और पाकिस्तान के एजेंट है। अब मुझे बताइए जो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, सोनिया गांधी के परिवार का कोई व्यक्ति 32 साल से इस देश में कोई पद पे नहीं है, 32 साल से। राजीव गांधी अंतिम प्रधानमंत्री थे,
उनकी हत्या हो गई, 32 साल कोई पद नहीं, बिना पद वो कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। राहुल गांधी के पिता की हत्या हो गई, राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी थी, महान नेता जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, गरीब बेटा बना रहे दिए उन्होंने, खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने, देश के अंदर देश को एक रखा, अखंड रखा, अंजाम भुगता, उनका सीना छलनी कर दिया गया। तो वो अंतिम सांस लिए तो सोनिया गांधी के भाव में लिए। आप बताइए, सबसे पहले सोनिया गांधी उनके पास पहुंची पीएम हाउस के अंदर। उस सोनिया गांधी के बारे में आपका तो ये पाकिस्तान के एजेंट थे, चाइना के एजेंट थे, इस घटिया हिस्से की राजनीति शुरू होगी देश के अंदर। आप किस दिशा में ले आना चाहते हो देश को, ये आपको हमको सोचने की बात है। काम तो होते रहेंगे, काम तो बुढ़ाने साहब ने बता दिए, कोई कमी रखी नहीं है। और अभी एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे कहा था, यहाँ पर बनियाला गए थे वो, उन्होंने कहा बनियाला और बाड़गा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में दो दो कक्षों का निर्माण कराया गया है। मैंने बाबा कहा आप चिंता क्यों करते हो, क्या आप जाओ स्टेज पर ये घोषणा जरूर करना। तो बाबा की बात रखता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ दो दो कक्ष बन जाएंगे आपके यहाँ पर। नंबर दो, धाणीमाना के उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय 8-2 लगा के 12वीं तक करो। धाणीमाना के लिए मैं घोषणा करता हूँ, वहाँ भी आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुल जाएगी। पता नहीं कितने लोग बैठे धाणीमाना के बैठे हैं, है? पूरा गांव है। और बुढ़ाने जी आपने एक और मांग करी है, रेया टुंडा में पीएचसी खोलो, उसकी मैं घोषणा करता हूँ अभी, वो पीएचसी भी खोल दी जाएगी। बाकी जो सिंची क्षेत्र में ना आपको 20,000 हेक्टेयर दे दिया आपको, वो काम तो पूरा होने दो, वो पूरा होएगा, सरकार वापस बनेगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। 6,000 जो बच गया वो काम भी पूरा होगा, कभी कोई चिंता मत करो। मैं जो पूरी तरह इसका मैं डिपार्टमेंट कह करके पूरी तरह एग्जामिन करवाऊंगा किस प्रकार ये काम हो सकता है, क्योंकि पानी कम आ रहा है। अभी आपके नॉर्थ भाजपा में पानी वहाँ भी कमियाँ पानी की, वही मांग कर रहे हैं, आगे से पानी आ नहीं रहा है, सब बातें देखनी पड़ती है, पर फिर भी ध्यान रखेंगे। तारनगर का जो पहले बुढ़ानिया जी ने कहा है, मुझे खुशी है नरेंद्र बुढ़ानिया, जब मैं पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बना था राजस्थान में कांग्रेस का, मेरी उम्र भी 34 साल की उस वक्त में, और राजीव गांधी ने मुझे सबसे कम उम्र के आदमी को प्रदेश कांग्रेस बना दिया। पहला फैसला मेरा कि उपचुनाव आ गया, मोहन सिंह जी की डेथ हो गई थी चूरू के अंदर, मेंबर पार्लियामेंट की लोकसभा की, पहला बाय इलेक्शन आया, मेरे पीसी जैसे के बनने के बाद में पहला फैसला मैंने किया राजनीति, वो किया नरेंद्र बुढ़ानिया को चुनाव में टिकट दिया पार्लियामेंट का, लोकसभा का। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मेरी बात को रखा। वो दिन आज दिन करीब 40 साल हो गए होंगे, लगभग 38 साल हो गए होंगे आज। ये कितनी बार मेंबर पार्लियामेंट बनाया आपने, राज्यसभा में भेजा, सोनिया जी ने इनको, अहमद पटेल दुनिया में नहीं रहे, वो भी इनके विशेष ध्यान रखते थे इनका, इन्होंने खूब काम किया, गुजरात के अंदर भी काम किया, जहाँ इनको भेजा गया जिस पद पे भेजा गया पार्टी की सेवा करने में कोई कमी नहीं रखी। आज नरेंद्र बुढ़ानी बहुत सीनियर नेता बन गया राजस्थान में भी, और आप लोगों के कामों की कमी रखी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले चुनाव में, पिछली बार तो रतनगढ़ और चूरू दो सीटें चली गई हमारी, कैसा पुणे भी बैठी हुई यहाँ पर, पंडित जी चले गए, भवला जी आपने कामयाब किया, अनिल जी को, बुढ़ानिया जी, जितनी सीटें आपकी है और हमारा नौजवान साथी मेघवाल बमला जी मास्टर चले गए हमारे बीच से, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है अगर सरकार बनानी है आपको, वो तो आपके ऊपर देखो, हम तो खाली अपील कर सकते हैं।
अनुभव कहता है कि जब सरकार नहीं बदलती, बदल जाती सरकार, वापस रिपीट नहीं होती है, कई स्कीमें बंद कर देती नई सरकार, हम उनकी स्कीमों बंद नहीं करते हैं। रिफाइनरी बंद कर दी 55 लाख बाड़मेर की, बताइए आप 5 साल बंद रखी, उसकी लागत 40,000 करोड़ की थी पहले, जब हमने उसका शिलान्यास करवाया सोनिया गांधी जी से, विरुद्ध मोदी जी से, आज इसकी कीमत 70,000 करोड़ की हो गई है। आप सोचिएगा 30,000 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा लगेगा पब्लिक का। ऐसे कई उदाहरण मेरे पास में हैं, सरकार बदलने के बाद में कितना नुकसान होगा पब्लिक को। मैं चाहूँगा कि आप जो है इस बार वापस लोगों का मूड लग रहा है सरकार रिपीट करने का, आप सबसे मेरी अपील है, तमाम लोगों को, आप लोग तमाम उम्मीदवारों में जीता हूँ इस बार कांग्रेस के, इन्होंने खूब काम किया, जो एमएलए बैठे हैं कृष्णा जी हो चाहे मेघवाली, जो भी नए नए बने थे बुढ़ाई जी ने बधाई दिया आपको, कोई कमी नहीं रखी हम लोगों ने। मैं चाहूंगा कि आप इस बार भी सरकार वापस रिपीट करेंगे तो आप जो स्कीम हमने बनाई है अगली बार ये स्कीम और मजबूत होगी, नंबर वन, और नंबर दो, सुशासन के लिए मैंने कहा है सन 2030 तक राजस्थान देश में नंबर वन राज्य कैसे बने, उस पर कौन मुख्यमंत्री होगा कौन क्या होगा अलग बात है, तो एक सपना देखना चाहिए राजस्थान वासियों को, हम सब मिलकर के कैसे एक टारगेट लेके चले, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में, पानी में, बिजली में, सिंचाई में, सड़कों में, और सोशल सिक्योरिटी के अंदर, ये जो आपके महिलाओं को पुरुषों को देख रहे हो आप, 500 पेंशन मिल रही थी 750 मिल रही थी, मैंने घोषणा कर दी है तमाम लोगों को कम से कम 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी, अब 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी, इतने लोग खुश हैं, मिलने अभी मैं मिला कई लोगों से बहुत खुश हैं। मैं चाहूँगा राजस्थान भी नंबर एक बने देश के अंदर, ये सपना राजस्थान वासियों को होना चाहिए, मेरे कहने नहीं बनने वाला है, तब बनेगा, पूरे राजस्थान के नौजवान, वहाँ के छात्र, वहाँ के आम लोग सब तय कर लेंगे कि हम अपना कर्तव्य निर्वहन करें, अपनी ड्यूटी निभाएं, हम सब मिलकर के एक दूसरे की मदद करें, जैसे कोरोना में करी थी, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई भूखा नहीं सोया उस वक्त, सब आप लोगों ने मदद करी एक दूसरे की, 35 लाख लोगों को मैंने ढूंढा जो गरीब थे, ठेले वाले थे, लॉकडाउन बंद हो गए, ठेले कहाँ काम करे, ठेले बिके क्या, दुकानें बंद हो गई, सबको मैंने 5 बार भेजे थे, 1,000 रुपये भेजा, 1 बार 1,500 रुपये भेजा, 5,500 भेजे मैंने प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो डेस्टिट्यूट था, वो कहने का मतलब कि पूरा कोरोना में शानदार हमने प्रबंधन किया, ऑक्सीजन से मरने नहीं दिया किसी को भी, ये तमाम आपके सहयोग से संभव हुआ, प्रदेशवासी थे, धर्मगुरु थे, एनजीओ वाले थे, एक्टिविस्ट थे, राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता थे, कोई कमी नहीं आने दिया। मैं चाहूंगा कि राजस्थान नंबर वन बन सकता है यहाँ पर, अब शिक्षा में शिक्षा के केंद्र राजस्थान बन गया है, बच्चे बाहर के राज्यों से यहाँ आने लग गए हैं, रोजगार यहाँ मिल रहा है लोगों को, अच्छा इलाज यहाँ हो रहा है, 25 लाख का बीमा यहाँ हो रहा है, संभावना अच्छी सड़कें बन रही है, जब सब कुछ हो रहा है, घर घर नल पहुँच रहा है, बिजली का उत्पादन सोलर सूर्य भगवान की कृपा राजस्थान में ज्यादा है, देश के अंदर सबसे अधिक सूर्य किरणें कहीं है देश में वो राजस्थान के अंदर है, छोले प्राण लग रहे राजस्थान के अंदर, भड़ला में बाप के अंदर जो प्राण लगा है, छोले पार्क बना वो पूरे एशिया का नंबर वन पार्क है, आप सोच सकते हो, सारी संभावनाएं छिपी हुई राजस्थान के विकास में, राजस्थान नंबर वन बने, बनेगा तब तो प्रदेशवासी संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे, तो यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। अशोक गहलोत जी का हाथ उठाकर
हाथ उठाकर अभिनंदन आपको घर जाने पर 10-10 बार डलवाने का कांग्रेस के पक्ष में 6 महीने काम करना और महंगा इलाज शिविर में हर व्यक्ति को जोड़ना है। अब मैं धन्यवाद देने के लिए तारानगर के प्रधान संजय कटवान जी से गुजारिश करता हूं कि वो आए और 1 मिनट में अपना धन्यवाद दें, उसके बाद राष्ट्रगान होगा। आप सबको यही रुकना है, 1 मिनट के लिए आप रुके रहे। सभी भाइयों ने मेरो राम राम। आज के इस विशाल जनसमूह में उमड़ेगा